डियर फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। राइट, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। देन व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आप इस पिक्टोरियल डायग्राम पे ध्यान दीजिए। देयर इज ए क्यूबिकल कंडक्टर, राइट, जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट यू हैव टू गिवन, राइट। अब क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस क्वेश्चन को आंसर फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल बी द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दैट। बहुत सिंपल और बहुत आसान सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, हमें एक क्यूबिक मीटर में मीन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वो आइडेंटिफाई करने हैं। यदि हमने उन इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उस यूनिट को जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे और एज ए रिजल्ट वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मालूम हो गया है कि एक यूनिट वॉल्यूम में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से एक इक्वेशन स्टेबलाइज हो जाती है, दैट इज कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वी, कैपिटल वी। हियर कैपिटल एन दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज टू इन अवर केस, एंड कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, राइट। अब हमें वॉल्यूम को कंडक्टर के, क्योंकि वी हैव टू गिवन, हमें वॉल्यूम कंडक्टर का वॉल्यूम टारगेट करना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो बड़ी आसानी से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि लेंथ विड्थ एंड हाइट दैट इज 6 इंटू 1 इंटू 4 वी विल गेट दैट 24 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर इज 24 क्यूबिक मीटर। अब इस इक्वेशन में क्योंकि वी नो दैट देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया एंड एज ए रिजल्ट वी गेट 48। इट मीन्स देर आर 48 इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर में 48 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन स्टेबलिश होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन स्मॉल एन दैट इज कैल इक्वल टू कैपिटल एन ओवर वी। हियर कैपिटल एन दैट इज 48, वी दैट इज 24। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 48 डिवाइड 24 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं आज के मेन आर्टिकल को लेकर। जो आज का जो मेन आर्टिकल है, हाउ वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्योंकि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन रिलेशन विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ पिक्टोरियल डायग्राम। आपको ये डायग्राम फिगर ड्रॉ करना है ऑन योर आंसर शीट एंड देन यू हैव टू पुट डाउन द मेन इक्वेशन। यू नो दैट जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और दैट इज योर मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन। अब इसके बाद आपका टारगेट रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। हियर क्यू इज द टोटल चार्ज एंड टी इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हाइल ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो दिस इज द टोटल लेंथ एल, तो टाइम टेकन दैट इज टाइम टी। तो टाइम टी और टोटल चार्ज की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे एंड देन फाइनली वी विल गेट द रिलेशन आई इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन को मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट नंबर वन में
टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो पार्ट नंबर वन फोकस किया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सबसे पहला टारगेट यही होगा कि गिवन कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो कंसेप्ट अभी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं उसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं इस केस में। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन, दैट इज स्मॉल एन दैट इज कैपिटल एन ओवर वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो किसी कंडक्टर का जो वॉल्यूम हियर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हियर एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यू कैन सी हियर दैट आपके पास एक कंडक्टर दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज कैपिटल ए और लेंथ है दैट इज कैपिटल एल। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम क्या जाएगा, ए क्रॉस एल, दैट इज द वॉल्यूम। तो टोटल नंबर को हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ सॉरी टोटल वॉल्यूम से, देन वी विल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड देन हियर क्योंकि फाइनल क्वेश्चन है हमारा टू फाइंड द कैपिटल एन, तो कैपिटल एन यहाँ से आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एन कैपिटल ए एल, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। अब जो हमारा सेकेंड टारगेट है दैट इज द टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज कितना होगा ड्यू टू दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स पहले हमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज मालूम है तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल चार्ज। एंड एज वी नो दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज ई, हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ई, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास एन ए एल, तो एन ए एल को ई से सिंगल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द टोटल चार्ज, राइट। इस तरह से हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। एंड देन जो पार्ट थर्ड है टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको इक्वेशन वन पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने इसको इक्वेशन को वन रीराइट डाउन किया है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब क्यू और टी की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर वन इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू दैट इज एन, इसको मैंने रीअरेंज भी कर लिया, एन देन ई ए एल ओवर टी। एंड ऑल्सो वी नो दैट जो टाइम है वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। ओके तो टाइम आ गया लेंथ ओवर वेलोसिटी। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे टाइम की वैल्यूज, टाइम दैट इज इक्वल टू एल ओवर वी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एल से एल कैंसिल आउट हो गया एंड एज ए रिजल्ट वी गेट द फाइनल इक्वेशन दैट इज एन ई ए वी, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हियर आई इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आर्टिकल आपका यहां तक पूछा गया है देन इज ओके। अगर कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए आपके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन है, तो क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होने वाला नहीं है, यहां पे ओवर होने वाला नहीं है, आपको कुछ मोर स्टेप्स और प्रोसीड करना पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, आफ्टर फॉलोइंग द प्रीवियस आर्टिकल्स, कहने का मतलब पिछले आर्टिकल को कंटिन्यू में रखते हुए जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी को लीड करते हुए हमने वी नो दैट जो वी डी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन क्या है, इसको पैरेलल वर्क में हमने नोट ऑन कर लिया दैट्स वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई ओवर एम टॉ, और आपको मालूम है ई स्मॉल ई दैट इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम पीरियड एंड एम इज मास ऑन इलेक्ट्रॉन। अब वी डी की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एंड देन बट वी विल गेट एन ई ए वी डी की वैल्यू हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में क्या चीज़ ई और ई दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर ए ई टॉ ओवर एम,
एंड दिस इज योर फाइनल इक्वेशन विच establishing the relation between electric current mean I and electric field that's capital E. कभी कभी question electric current और relaxation time period के respect में पूछा जा सकता है, तो उस case में भी आपको यहाँ तक article proceed करना है. तो बहुत important article. इसके साथ ही आज का जो lecture है that is over. Thank you for your time.